अखिल भारत हिंदू युवा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान के नेतृत्व में मंदिर बंद लेकिन मदिरा चालू और अब मांसाहार की दुकानें खुलने को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। ये ज्ञापन उज्जैन डीएम को अवगत कराते हुए मनीष सिंह चौहान द्वारा सौंपा गया। उज्जैन पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा बताया गया कि इस वर्ष कांवड़ यात्रियों पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध को हटाने के लिए अखिल भारत युवा हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सैकड़ों समर्थकों के साथ जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रतिबंध हटाने का निवेदन कर एक ज्ञापन सौंपा। आज अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हमने चार सूत्री का एक ज्ञापन पत्र सौंपा है। पहली मांग ये है कि माननीय गृह मंत्री जो उज्जैन आए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करा था कि उज्जैन के अंदर कांवड़ यात्री नहीं आएंगे। जमात के और मरकज के लोग एमपी के अंदर फैले जिन लोगों ने कोरोना वायरस को फैला दिया उन लोगों ने पर जल चढ़ाने को लेकर जो कांवड़ी आएंगे उन पर बैन लगा देगा, इसकी हमने निंदा करी और कहा है कि महाकाल मंदिर से जो अनुमति होती है भले उनकी संख्या कम हो लेकिन महाकाल मंदिर पर जल अभिषेक और कांवड़े की यात्रा की अनुमति होना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये थी कि उज्जैन के सारे धार्मिक मंदिर आज की तारीख में बंद है और नगर पालिका निगम मांस की दुकान खोलने की अनुमति आज शायद शाम तक जारी करने वाली है। बड़ी दुखद घटना है कि मंदिर बंद, मांस की दुकान चालू है और कांवड़ यात्रा बंद, दारू की दुकान पर लंबी लाइन है।